dear viewers you are warmly welcome in this lecture kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from biology guardian thank you Bismillahirrahmanirrahim. लेक्चर में हम इनशाला उसके ऊपर बात करेंगे एंजाइम इनहिबिशन कैन बी डिफाइंड एज द फेनमिन इन विच द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज फेल्ड या इन अदर वर्ड्स द फेनमिन इन विच एंजाइम फेल्ड टू कैटेलाइज द रिएक्शन देखिए इनहिबिशन वर्ड से जाहिर हो रहा है इनहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना तो इंजाइम इनहिबिशन किसे कहते हैं एक ऐसा फिनमिनॉन एक ऐसा वाक्य जिसमें इंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने में फ़ेल हो जाए इंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म ना कर सके इस चीज़ को इन्जाइम इनहिबिशन कहा जाएगा या फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप इंजाइम इनहिबिशन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द इंट्रैक्शन ऑफ इनहिबिटर्स विद द एक्टिविटी ऑफ इन्जाइम तो एंजाइम की एक्टिविटी के साथ किसी इनहेबिटर का इंटरैक्ट करना यह दरअसल इंजाइम इनहेबिशन कहलाएगा ठीक है इनहेबिटर्स क्या होते हैं मैं अभी आपको समझाता हूं पहले जरा हम इस एंजाइम इनहेबिशन की डेफिनेशन को कवर कर लें तो इंजाइम इनहेबिशन को आप किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं एक ऐसा फेनोमिन एक ऐसा वाक्य जिसमें एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने में फेल हो जाए तो इसे इंजाइम इनहेबिशन कहा जाएगा या फिर किसी भी इनहिबिटर का एंजाइम की एक्टिविटी के साथ इंटरेक्ट करना ये एंजाइम इनहिबिशन कहलाता है या फिर आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्टॉप और लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। तो इंजाइम इनहिबिशन को इन तीनों में से भी किसी भी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं इन तीनों में से किसी भी डेफिनेशन के जरिए इंजाइम इन्हीबिशन को डिफाइन किया जा सकता है अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इन्हेबिटर्स किसे कहते हैं हम वाट आर इन्हेबिटर्स यानी ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में बात हो रही है जिनकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो जाती है तो ये इन्हेबिटर मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं असल में इन्हीबिटर कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेबिट करे या उसको रेस्ट्रिक्ट करे उसको रोके, लेकिन वो खुद डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में चेंज ना हो सके ठीक है सबस्ट्रेट जिस तरह से इंजाइम के साथ रिएक्ट करता है ना उसी तरह से ये भी इंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं बट दे आर नॉट कन्वर्टेड टू डिजाइड प्रोडक्ट इसको आप यूं डिफाइन करेंगे दोज मॉलिक्यूल्स दोज मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट विद इंजाइम विच रिएक्ट विद इंजाइम लाइक सबस्ट्रेट जिस तरह से सबस्ट्रेट रिएक्ट करते हैं उसी तरह से ये भी रिएक्ट करते हैं लाइक like सबस्ट्रेट बट आर नॉट कन्वर्टेड इंटू डिजायर्ड प्रोडक्ट बट आर नॉट कन्वर्टेड इंटू डिजायर्ड प्रोडक्ट तो इस वजह से चूंकि डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बन पा रही एंजाइम की एक्टिविटी एक लिहाज से इनहेबिट हो गई है एंजाइम की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही ठीक है तो ऐसे मॉलिक्यूल दोज मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद एंजाइम लाइक ट बट आर नॉट कन्वर्टेड टू डिजायर्ड प्रोडक्ट देखिए सबस्ट्रेट ने तो डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है सबस्ट्रेट तो वो रिएक्टेंट है जिसने प्रोडक्ट बन जाना होता है लेकिन इनहिबिटर्स की मौजूदगी में ना तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन पाएगा और ना ही वो जो इन्हीबिटर है उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो रिएक्ट तो हुआ है एंजाइम के साथ लेकिन वो भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा तो एक लिहाज से एंजाइम की एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो गई है रुक गई है तो ये इन्हीबिटर्स कहाँ से आ जाते हैं इन्हेबिटर्स याद रखिए कि ये कोई एंडोजिनस भी हो सकते हैं यानी बॉडी के अंदर से भी जनरेट हो सकते हैं ठीक है इन्हेबिटर्स में भी एंडोजीनस एंडोजीनस का मतलब है कि दे आर डिवेलप्ड विद इन द बॉडी तो ये एंडोजीनस भी हो सकते हैं या फिर ये एक्जोजीनस भी हो सकते हैं एक्जोजीनस एक्जोजीनस यानी ये बॉडी के बाहर से भी आ सकते हैं एंडोजीनस का मतलब मैंने क्या बताया कि मे बी डिवेलप्ड विद इन द बॉडी मे बी डिवेलप्ड विद इन द बॉडी मिसाल के तौर पर बॉडी के अंदर कैसे ये डेवलप होंगे जैसे ये कोई एंटी बॉडीज हो सकती हैं एंटीबॉडीज ये कोई मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं मेटाबोलाइट्स यानी मेटाबॉलिज्म की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं ये जिनको मेटाबोलाइट्स कहा जाता है तो ये इस तरह से बॉडी के अंदर जनरेट होने वाले मॉलिक्यूल्स हैं एंटीबॉडीज मेटाबोलाइट्स सो दीज मॉलिक्यूल्स आर एंडोजीनस टाइप ऑफ इनहेबिटर्स और इसी तरह से एक्जोजीनस इनहेबिटर्स में बी एंटर्ड फ्राम आउटसाइड द बॉडी फ्राम आउटसाइड द बॉडी बॉडी के बाहर से भी ये अंदर आ सकते हैं जैसे मिसाल के तौर पर डिफरेंट काइंड के जो पॉइजन है पॉइजन इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो ड्रग कंपाउंड हैं तो ये पॉइजन और ये ड्रग कंपाउंड ये दरअसल एक्जोजीनस टाइप के इनहेबिटर्स हैं तो आपने देखा कि इनहेबिटर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो एंजाइम की एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करता है बॉडी के अंदर से भी ये जनरेट हो सकता है और बॉडी के बाहर से भी ये दाखिल हो सकता है ठीक है तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स इन्हीबिटर्स के आएंगे और इनका एंजाइम की एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करना इंजाइम इन्हीबिशन कहलाता है इनहेबिटर्स को दो ब्रॉड क्लासेस में क्लासीफाई किया जा सकता है इनहिबिटर्स की ये जो दो ब्रॉड क्लासेज हैं उनमें से एक टाइप को कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरी टाइप को नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स कहा जाता है ठीक है टाइप्स ऑफ इन्हेबिटर्स की अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स तो इनहिबिटर्स की दो टाइप्स आप कंसिडर करेंगे दो मेन टाइप्स उन दो मेन टाइप्स में एक टाइप को कहा जाएगा कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर्स और दूसरे इन्हेबिटर्स को कहा जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हेबिटर्स सो इन्हेबिटर्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू ग्रुप एक कॉम्पिटेटिव इन्हेबिटर्स और दूसरे नॉन कॉम्पिटेटिव इन्हेबिटर्स ये दो मेन टाइप्स हैं बेसिकली दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं दोनों इन्हीबिटर्स एक दूसरे से क्लियरली डिफर करते हैं अपने मोड ऑफ एक्शन के लिहाज से तो पहले ज़रा हम देखते हैं कि जो कॉम्पिटेटिव इन्हेबिटर्स हैं उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है वो किस तरह से एक्ट करेंगे तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ कंपिटेटिव इनहेबिटर्स अब देखिए इनके नाम से जाहिर हो रहा है कॉम्पिटेटिव वर्ड हम यूज कर रहे हैं तो कंपिटेटिव का मतलब है कि ये इनहेबिटर्स सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करते हैं ठीक है कैसे कंपीट करते हैं इनका तरीकाकार क्या होता है कंपीट करने का एक्चुअली दे हैव रिजेंबलेंस दे हैव रिजेंबलेंस विद द शेप ऑफ सबस्ट्रेट चूंकि ये सबस्ट्रेट के साथ रिज़ेंबल करते हैं तो उसी रिज़ेंब्लेंस का फायदा उठाते हुए ये एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करने की कोशिश करते हैं दे बाइंड ऑन एक्टिव साइट बाइंड ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं ना वहां पर ये बाइंड करते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम चूंकि इनकी सबस्ट्रेट की शेप के साथ रिजेंबलेंस होती है ये आप देखिए एक्चुअल सबस्ट्रेट आपको ये ग्रीन कलर में नजर आ रहा है और इसी तरह से ये येलो कलर में ये दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइड के साथ इंटरेक्ट करेंगे और डिजायर्ड प्रोडक्ट में चेंज होंगे लेकिन एक इनहेबिटर ये रेड कलर में आपको नजर आ रहा है दिस इनहेबिटर विच हैज रिजेंबलेंस विद द शेप ऑफ द दबस्ट्रेड यानी बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबलेंस रखते हैं ये यानी इनकी शक्ल मिलती जुलती होती है सब के साथ और उसी शक्ल के मुशाबहत की ये उसका ये फ़ायदा उठाते हैं जो इनकी शक्ल इनके साथ मुशाबियत रखती है उस मुशाबियत का ये फायदा उठाते हुए ये एक्टिव साइड के ऊपर बाइंड करने की कोशिश करते हैं तो एक लिहाज से सबस्टेट में और इनहेबिटर में आप देख रहे हैं कॉम्पिटिशन डेवलप हो गया है इसी वजह से इनका नाम कंपिटेटिव इनहेबिटर है क्योंकि ये सबस्टेट के साथ कंपीट करते हैं इन ऑर्डर टू तो ऑक्यूपाई द एक्टिव साइड और इस कंपटीशन के अंदर जो विन करेगा वो अपना इफेक्ट कॉज करेगा यानी अगर सबस्ट्रेट अटैच होने में कामयाब हो गया एक्टिव साइट के ऊपर तो डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगी लेकिन अगर ये इनहेबिटर सबस्ट्रेट से पहले अटैच होगी एक्टिव साइट के ऊपर तो जाहिर है कि एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा और

Generally रिवर्सिबल reversible. reversible का मतलब क्या होता है रिवर्सिबल का मतलब है कि इनकी एक्टिविटी को रिवर्स किया जा सकता है दे आर जनरली रिवर्सिबल इनहिबिटर्स इनकी एक्टिविटी को रिवर्स किया जा सकता है वो कैसे रिवर्स किया जा सकता है चूंकि सबस्ट्रेट के साथ ये कंपीट कर रहे हैं ना तो अगर सबस्ट्रेट की तादाद ज्यादा होगी तो क्या इनहिबिटर को यहां पे एक्टिविटी ब्लॉक करने का मौका मिल पाएगा ठीक है देखिए सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन है ना तो कंपटीशन में आप जानते हैं कि जिसकी तादाद ज़्यादा होगी तो वो जीतेगा उस कंपटीशन के अंदर तो अगर आप सबस्ट्रेट की कंसनेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो इस तरह से फिर ये इन्हेबिटर का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा यानी इसको आप रिवर्स कर देंगे इस प्रोसेस को तो आपने याद रखना है कि दे आर जनरली रिवर्सेबल इनहिबिटर एंड हाउ कैन वी रिवर्स द इफेक्ट ऑफ सच इनहिबिटर्स तो आपने ये इसका रिवर्सल याद रखना है कि बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसनेशन द इफेक्ट कैन बी रिवर्स बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसनेशन द इफेक्ट कैन बी रिवर्सड ठीक है बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसनेशन द इफेक्ट कैन बी रिवर्स हाँ जी आपको ये मोड ऑफ एक्शन समझ में आया कम्पिटेटिव इनहेबिटर्स किस तरह से काम करते हैं इनकी एक्चुअल सब्सट्रेट की शेप के साथ रिजेंबलेंस होती है और उसी रिजेम्बलेंस का फायदा उठाते हुए ये एंजाइम की एक्टिव साइड के ऊपर बाइंड करते हैं इज दैट क्लियर तो ये था मोड ऑफ एक्शन ऑफ कंपिटेटिव इनहेबिटर्स कंपिटेटिव इनहबिटर्स की एग्जाम्पल अभी आपको मैं दिखाता हूं ये देखिए कंपिटेटिव इनहबिटर की एक एग्जाम्पल दी हुई है मेलोनेट मेलोनिक एसिड कहते है, या acid, हैं मेलोनेट या मेलोनिक एसिडिटेटिव इनबिटर है इस वक्त आपको एक इंजाइम यहां पे दिखाया इस इंजाइम का नाम है हैड्रोजीनेस एंजाइम डी हाइड्रोजीनेस डीहाइड्रोजिनेज डी हाइड्रोजीनेस एंजाइम तो यह सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजीनेस एंजाइम एक सबस्ट्रेट सक्सीनेट उसको यहां पर अपनी एक्टिव साइड के ऊपर अटैच करवाता है और एक्टिव साइड पर अटैच करवाने के बाद ये उसको कन्वर्ट करता है इनटू फ्यूमरेट फ्यूमरेट इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्यूमरेट इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट दिस इज डिजायर्ड प्रोडक्ट ठीक है भाई तो फ्यूमरेट इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट और जबकि सक्सीनेट ये एक्चुअल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है दिस इज एक्चुअल सबस्ट्रेट एक्चुअल सबस्ट्रेट और इसके मुकाबले में ये जो आपको सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज बताया दिस इज एंजाइम मॉलिक्यूल ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई ये एक नॉर्मल रिएक्शन दिखाया है ये नॉर्मल एंजाइम सक्सीनेट डी हाइड्रोजीनीस इसके ऊपर ये नॉर्मल सबस्ट्रेट सक्सीनेट आकर बाइंड करता है और इसके हाइड्रोजन की रिमूवल हो जाती है और रिमूवल के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इंट्रोफ्यूमरेट और एंजाइम अलहदा हो जाएगा ये नॉर्मल रिएक्शन है लेकिन बाज़ात एक पॉइजनस मटीरियल है मेलोनेट उसे कहते हैं तो ये अगर पॉइजनस मटीरियल मेलोनेट अगर हमारे बॉडी के अंदर आ जाए तो ये मेलोनेट इस एंजाइम के साथ इंटरफेयर करेगा इस एंजाइम के साथ जब इसका इंट्रैक्शन होता है तो एंजाइम की एक्टिव साइड के ऊपर ये बाइंड करने की कोशिश करता है क्योंकि इसकी सबस्ट्रेट की शेप के साथ रिजेम्बलेंस है और अगर ये बाइंड करने में कामयाब हो गया तो ऐसी सूरत में जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं होगी और इस तरह से ये एक्टिविटी इनहेबिट हो जाएगी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ अवर मेटाबॉलिक पाथवेज ये दरअसल हमारे करप साइकिल का एक रिएक्शन उसका एंजाइम है ठीक है इट इट इज़ फाउंड इन उंड इन क्रेप साइकिल जो कि हमारे सेलुलर एक्सपायरेशन का एक इवेंट है तो पाया जाने वाला एक इंजाइम है जिसका ये इनहेबिटर आपको बताएं और ये कम्पिटेटिव टाइप का इनहेबिटर है ठीक है किस तरह से वर्क करते हैं ये इनका मोड ऑफ एक्शन था अच्छा अब दूसरा जो इनहेबिशन की टाइप है कंपिटेटिव इनबिशन की इंपॉर्टेंस की हम बात कर ले जो कंपिटेटिव इनिबिटर है ना इनकी सिग्निफिकेंस क्या इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ कम्पटेटिव इनहिबिटर्स में आप बताएंगे कि ये जो इनहिबिटर्स होते हैं चूँकि इनकी शक्ल एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ रिजेम्बल कर रही होती है ना, लेकिन आप देख रहे हैं कि रिजेंबलेंस रखने के बावजूद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते इसका मतलब है कि ये जो कम्पिटेटिव इन्हेबिशन का कंसेप्ट है ये दरअसल सपोर्ट कर रहा है लॉक मॉडल को ठीक है सपोर्ट्स सपोर्ट्स लॉक एंड की मॉडल सपोर्ट्स लॉक एंड की मॉडल ऑफ एनजाइम एक्शन लॉक एंड की मॉडल आपको लास्ट लेक्चर में बताया था उसके मुताबिक आपको याद होगा कि एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्टेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है उसके अलावा किसी और सब्स्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता तो आपके सामने ये एग्जाम्पल है कि मेलोनेट अभी जो मैंने आपको बताया वो बेशक सबस्ट्रेट के साथ रिजेम्बलेंस रखता था एक्टिव में बाइंड भी हुआ लेकिन वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाया तो एंज़ाइम स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन के अंदर वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं ये लॉक इन की मॉडल का आइडिया और ये सपोर्ट हो रहा है इस कम्पिटिटिव इनहिबिशन वाले कॉन्सेप्ट से ठीक है तो एक आपने इसकी अहमियत ये बतानी है कि ये लॉक इन की मॉडल को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा इट शोज दैट द सब्स विच आर सिमिलर टू द सब्सट्रेट आर नॉट एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम ठीक है ये भी इससे जाहिर हो रहा है जी तो इस तरह से आपने ये दूसरा पॉइंट याद रखना है कि कंपेटेटिव इनहबिटर्स की अहमियत क्या है इसकी अहमियत यह है कि इस कॉन्सेप्ट से कंपिटेटिव इनबिटर वाले कंसेप्ट से हमें यह पता चला कि कोई भी मोलिको जिसकी शक्ल मिलती जुलती हो ऐसा नहीं है कि वो रिएक्ट uh, कर जाएगा और उसके बाद फिर वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में भी चेंज हो जाएगा ठीक है और तीसरी बात कंपिटेटिव इनहिबिटर्स आर यूज एज ड्रग्स इन द कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरियल पैथोजेंस जितने आप ये एंटीबायोटिक्स दे, देखते हैं ना उनमें मेजोरिटी एंटीबायोटिक्स जितनी एंटीबायोटिक हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं मेजोरिटी एंटीबायोटिक इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई जाती हैं यानी वो एंजाइम <coughs> के इनहिबिटर्स के तौर पर एक्ट करती हैं वो एक्चुअल सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबलेंस रखती हैं और इस वजह से इंजाइम के साथ वो इंटरफेयर करेंगी और इंजाइम को ब्लॉक कर देंगी ऐसे स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक होंगे उनके लिए उन ड्रग्स को डिजाइन किया जाता है तो ये ड्रग्स भी असल में इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती हैं ठीक है थीके? ये आपने पॉइंट्स याद रखने इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ कंपिटेटिव इनिविटर्स अगर एक्सप्लेन करना उसको शो करने के लिए ये आपने एग्जाम्पल्स याद रखनी है तो अब हमने डिस्कस करना है नॉन कंपिटेटिव इनहिबिटर्स का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है तो उसके बाद मोड ऑफ एक्शन ऑफ नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स जैसे इनके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये कंपीट नहीं करते जैसे आपको इनहिबिटर्स के केस में अभी दिखाया था कि कंपिटेटिव इनहिबिटर्स कंपीट कर रहे होते हैं सबस्ट्रेट के साथ जबकि ये सबस्ट्रेट के साथ कोई कंपटीशन नहीं रखते हैं। तो क्यों इनका कंपटीशन क्यों नहीं होगा और जबकि कंपटिटिव इनहिबिटर्स का कंपटीशन क्यों था तो इस बात का आप आंसर क्या दे सकेंगे आपको याद है कि उसमें कंपेटेटिव के केस में आपको बताया था कि उसकी शेप रिजेंबल करती है सबस्ट्रेट की शेप के साथ लेकिन नॉन कम्पिटेटिव इनिवेटर ऐसे होते हैं विच हैव नो रिजेंबलेंस विद द शेप ऑफ सबस्ट्रेट ठीक है हैव नो इनकी शक्ल मैच नहीं करती तो इस वजह से जब रिजेंबलेंस नहीं होगी सबस्ट्रेट की शेप से ये डिफरेंट होंगे तो एक्टिव साइड पर भी ये बाइंड नहीं करेंगे दे हैव नो रिजेंबलेंस विद द शेप ऑफ सबस्ट्रेट और इसी वजह से चूंकि ये सबस्ट्रेट की शेप के साथ रिजेम्बलेंस नहीं शो करते हैं, तो ये फिर एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं करते दे डू नॉट बाइंड ऑन एक्टिव साइट क्योंकि सबस्ट्रेट ने एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करना होता है ना अब जो भी चीज एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करने की कोशिश करेगी वही चीज दरअसल सबस्ट्रेट के साथ कंपीट भी करती है लेकिन चूंकि इन इनहिबिटर्स ने एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं करना होता एक्टिव इनकी शेप बिल्कुल डिफरेंट होती है तो इस वजह से इनका कोई कंपिटिशन नहीं होता ये हमेशा अदर देन एक्टिव साइट किसी जगह पर बाइंड करते हैं दे एक्चुअली बाइंड ये एंजाइम के साथ रिएक्ट जरूर करेंगे ऐसी बात नहीं है कि ये एंजाइम के साथ बाइंड ही नहीं होते दे एक्चुअली बाइंड या अटैच ऑन enzyme अदर देन एक्टिव साइट ऑन enzyme अदर देन एक्टिव साइट ठीक है एक्टिव साइट के ऊपर यह अटैच नहीं करेंगे अच्छा जिस जगह पर ये बाइंड करते हैं वो जगह क्या होगी अदर देन एक्टिव साइट तो वो जगह असल में एक और खास जगह होती है उसे कहते हैं एलोस्टेरिक साइट एक्टिव साइट के अलावा ये दूसरी जगह पर बाइंड करते हैं ठीक है और उस जगह को कहते हैं एलोस्टेरिक साइट एलोस्टेरिक साइट किसे कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट ये वो एडिशनल रीजन है जहां पर किसी इनहेबिटर ने बाइंड करना होता है यानी ये खास एंजाइम्स होंगे जिनके पास एलोस्टेरिक साइट अवेलेबल होगी और एलोस्टेरिक साइट समटाइम इट इज सेलेक्टेड बाय द इनहिबिटर्स। हालांकि एलोस्टेरिक साइट का एक और पर्पस होता है अभी आपको समझ आएगा कि एलोस्टेरिक साइट किस पर्पस के लिए लेकिन दिस एलोस्टेरिक साइट इज ऑक्यूपाइड बाय द टर लेकिन समटाइम नॉन कम्पिटेटिव इनिवेटर एलोस्टेरिक साइड के अलावा भी किसी जगह पर आकर बाइंड कर जाते हैं इंजाइम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और इंजाइम को समटाइम वो परमानेंटली डैमेज भी कर जाते हैं ठीक है तो आपने देखा कि इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है इनकी रिजम्बलेंस की शेप के साथ नहीं होती देर फॉर दे डो नॉट बाइंड ऑन एक्टिव साइड दे एक्चुअली बाइंड और अटैच ऑन एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट जैसे मैं दी आपको कि ये ये एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड करते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखिए कि सम एग्जाम्पल देता हूं, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा तो इस तरह से इनका कोई कंपटीशन नहीं होता ये प्रॉपर्टी भी हम साथ शो कर देंगे व नो कंपिटिशन कंपिटिशन विथ सबस्ट्रेट और इसी वजह से इनको नॉन कंपिटेटिव कहा गया अच्छा इसके अलावा आप देखिए कि जैसे मैंने आपको कंपिटेटिव इनहबिटर्स में बताया था कि वो जनरली रिवर्सिबल होते हैं लेकिन जो नॉन कंपिटेटिव इनिबिटर्स हैं दे मे भी रिवर्सिबल और दे मे भी इन रिवर्सिबल दे मे बी रिवर्सिबल रिवर्सिबल का मतलब कि इनका इफेक्ट खत्म किया जा सकता है रिवर्सिबल भी हो सकते हैं ये और ये इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं मे भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, यानी ये इंजाइम की एक्टिविटी को टेम्परेरली ब्लॉक भी कर सकते हैं और परमानेंटली ब्लॉक भी कर सकते हैं इरिवर्सिबल का मतलब होगा कि अगर कोई इरिवर्सिबल टाइप का नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर एंजाइम के साथ आकर अटैच हो गया है तो वो परमानेंटली एंजाइम को नकारा कर देगा उसकी एक्टिविटी को परमानेंटली वो ब्लॉक कर देगा ठीक है तो अनलाइक कंपिटेटिव इनहिबिटर्स जो के आमतौर पर रिवर्सिबल टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं दे मे बी रिवर्सिबल और दे मे बी इरिवर्सिबल तो ज्यादा जो डेंजरस किस्म के पॉइजन होते हैं ना जिनसे एंजाइम्स परमानेंटली अपनी एक्टिविटी लॉस कर जाते हैं वो पॉइजन्स असल में ये इिवर्सबल टाइप के नॉन कम्पिटेटिव इन्हीबिटर्स होते हैं ठीक है तो आप इनका मोड ऑफ एक्शन ये जरा इस डायग्राम के अंदर भी साथ साथ देख लें आपको जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है कि इस एक्टिव एक्टिइ के साथ जो की कंपैटिबिलिटी है उसी तरह से है अभी लेकिन ये एक इन्हीबिटर मॉलिक्यूल जो कि एक और जगह पर आके बाइंड कर रहा है जिसको नाम दिया गया है एलोस्टेरिक साइड यहाँ पर इसके बाइंड करने की वजह से एक्टिव एक्टिड शक्ल थोड़ी सी डीफॉर्म हो गई है एक्टेसाइड की शक्ल थोड़ी बदल गई है और एक्टेसाइड की शक्ल बदलने की वजह से अब सबस्ट्रेट को यहां पे अटैच होने का मौका नहीं मिल रहा यहां इस मॉडल के अंदर तो ऐसा दिखाया कि इस इन्हेबिटर के अटैच होने की वजह से एक्टिव साइट की शेप ही चेंज हो गई जिसकी वजह से एक्चुअल सब्सट्रेट अब अटैच नहीं हो रहा और एक्चुअल सब्सट्रेट जब अटैच नहीं हो रहा तो फिर आगे रिएक्शन कैटेलाइज नहीं हो रहा लेकिन बाद उसका ऐसा भी होता है कि ये इन्हीबिटर्स जब इसके साथ बाइंड करते हैं तो इसके साथ बाइंड करने की वजह से ये एक्टिव साइट की बाइंडिंग साइट को तो नहीं छेड़ते यानी बाइंडिंग साइट इंटैक्ट रहती है और सब्सट्रेट इजीली अटैच तो कर जाता है लेकिन जो कैटोलिटिक रीजन होता है ना उसको ये काम नहीं करने देते ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इनकी अटैचमेंट की वजह से एक्टेसाइड ही डीफॉर्म होगी इनकी अटैचमेंट की वजह से एक्टेसाइड डीफॉर्म तो नहीं होती सबस्टेट को अटैच करने का मौका तो मिल जाता है लेकिन आपको याद होगा कि एक्टिव साइट के अंदर कैटेटिक रीजन है वो कैटेटिक रीजन असल में इन इनहिबिटर्स की अटैचमेंट के बाद फंक्शनल नहीं रहता और इसी वजह से अगर ये इनहिबिटर किसी एंजाइम के साथ अटैच हो जाए और इवन सब्सिटेट अगर अटैच होता भी है तो फिर भी रिएक्शन कैटलाइज नहीं होता ठीक है जी तो अब हमने इनकी एग्जाम्पल्स देखनी है तो इनकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी मिसाल के तौर पर साइनाइड्स ये बहुत डेंजरस किस्म के पॉइजन्स हैं साइनाइड्स तो मुख्तलिफ ये जो इंसेक्ट्स या फिर इस तरह से दूसरे एनिमल्स उनकी बॉडी के अंदर ये साइनाइड टाइप के पॉइजन्स पाए जाते हैं पोटाशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के साइनाइड पॉइजनस हैं बहुत डेंजरस पॉइजन हैं अगर ये हमारे बॉडी के अंदर ये दाखिल हो जाए अगर ये साइनाइड्स हमारे बॉडी में दाखिल हो जाए तो ये क्या करते हैं ये दरअसल इन्हीबिटर का रोल प्ले करते हैं और हमारे बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एंजाइम है साइटोक्रोम ये साइटोक्रोम को इनहेबिट करते हैं साइटोक्रोम क्या चीज है साइटोक्रोम बेसिकली ये रेस्पिरेशन के पाथवे में यूज होने वाले एंजाइम्स हैं साइटोक्रोम साइटोक्रोम में प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है तो उस साइटोक्रोम का जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना उस प्रोस्थेटिक ग्रुप में आयरन मौजूद है असल में साइनाइड कंबाइन हो जाता है आयरन पार्ट के साथ ये इस साइटोक्रोम एंजाइम के साथ मौजूद होता है एक कॉम्प्लेक्स रिंग आपको से याद होंगे तो इस साइटोक्रोम के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स पोर फाइर रिंग दैट इज कॉल्ड प्रस्थेटिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन विच आयरन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस प्रोस्थेटिक ग्रुप तो उस आयरन पार्ट के साथ ये साइनाइड कंबाइन हो जाएगा तो इस तरह से ये साइटोक्रोम की एक्टिविटी को इनहेबिट कर देगा सिंस द साइटोक्रोम्स आर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स ऑफ अवर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म तो इस तरह इनकी अटैचमेंट की वजह से साइटोक्रोम जब इनहेबिट हो जाते हैं रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है और ये चंद मिनटों के अंदर डेथ कॉज कर सकते हैं बिकॉज रेस्पिरेटरी मेटाबोलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ तो अगर ये साइनाइड हमारे बॉडी में आ जाए और रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाए तो फिर लाइफ बरकरार नहीं रहती तो ये बहुत ही डेंजरस किस्म के पॉइजन हैं साइनाइड और ये नॉन कंपिटेटिव टाइप के इनहेबिटर्स हैं इसी तरह से साल्ट ऑफ हैवी मेटल्स इसमें हम मजीद एग्जाम्पल ले सकते हैं साल्ट ऑफ हैवी मेटल्स साल्ट ऑफ हैवी मेटल्स में क्या चीज इंक्लूड हो जाती है साल्ट ऑफ हैवी मेटल्स जैसे कि मरकरी ठीक है मर्करी या फिर जैसे सिल्वर ठीक है ये ये होते हैं हैवी मेटल साल्ट्स या कॉपर तो इन हैवी मेटल साल्ट्स इन हैवी मेटल के साल्ट्स के जरिए भी इंजाइम्स की इनहिबिशन कॉज होती है ये क्या करते हैं ये अक्सर ऐसे इंजाइम को इनहिबिट करते हैं जिनके अंदर सल्फर मौजूद होता है अमाइनो एसिड के अंदर और जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं उनके पास एक ग्रुप बना होता है जिसे कहते हैं थायोल ग्रुप ठीक है दे एक्चुअली कंबाइन विद दे इनहिबिट द एंजाइम बाय कंबाइनिंग विद ये किस तरह से इनहिबिट कर रहे हैं बाय कंबाइनिंग विद थायोल ग्रुप ये थायोल ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाते हैं एंड व्हाट इज दैट थायोल ग्रुप थायोल ग्रुप जो है से आमतौर पर एस एच ठीक है थायोल ग्रुप का मतलब एस एच सल्फ हाइड्रल ग्रुप भी कहते हैं यानी सल्फर और हाइड्रोजन पर ये एक फंक्शनल ग्रुप है थायोल ग्रुप भी से कहा जाता है तो ये साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स दे एक्चुअली कंबाइन विद थायोल ग्रुप ऑफ एंजाइम थायोल ग्रुप असल में अमाइनो एसिड का पार्ट होता है और इस थायोल ग्रुप के जरिए डाइसल्फाइड ब्रिज बना हुआ होता है है ठीक दिस इज यूज टू मेक डाइसल्फाइड टू पॉलीपेप्टाइड्स यूज टू मेक डाइसल्फाइड ब्रिज ठीक है ये डाइसल्फाइड ब्रिज बनाने में इस्तेमाल होता है डाइसल्फाइड ब्रिज का मतलब है कि दो अमाइनो एसिड्स के ये जो सल्फाइडल ग्रुप्स होंगे वो अपने सल्फर के जरिए एक दूसरे के साथ इस तरह लिंक हो जाएंगे तो इस तरह ये जो सल्फर और सल्फर के दरमियान बॉन्ड बनाए इसे डाइसल्फाइड ब्रिज कहते हैं तो ये डाइसल्फाइड ब्रिज की फॉर्मेशन को इनहेबिट कर देंगे ठीक है दे एक्चुअली इन्हीबिट द डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्मेशन क्योंकि ये जो थायोल ग्रुप है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस डाइसल्फाइड ब्रिज वेन द सा ऑफ हैवी मेटल्स बॉडी तो ये कंबाइन हो जाते हैं थायोल ग्रुप ऑफ समयेगा नहीं हो पाएगा विच इज ने फॉर द मेंटेनिंग ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम ठीक है इट एक्चुअली मेंटेन्स ठीक है ये क्या करते हैं ये मेंटेन करते हैं इट एक्चुअली मेंटेन्स द टर्शरी स्ट्रक्चर आपको याद होगा कि एंजाइम के बारे में हमने डिस्कस किया था ये स्ट्रक्चर में जनरली पाए जाते हैं तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम ग्लोब्यूलर शेप ऑफ एंजाइम इज एक्चुअली बाय डाइसल्फाइड डाइसल्फाइड ब्रिज ब्रिज सो दैट मेंटेन्स में स्ट्रक्चर वो टर्श्री स्ट्रक्चर इसका मेंटेन नहीं हो पाएगा टर्चरी स्ट्रक्चर एंजाइम का लॉस हो जाएगा एंड एंजाइम बिकम डी ड्यू टू दीज टाइप ऑफ इनहेबिटर्स तो आपने देखा कि ये भी दरअसल नॉन कम्पिटेटिव टाइप के इन्हेबिटर्स थे क्योंकि इन दोनों इन्हीबिटर्स ने एंजाइम को उस जगह से जाके पकड़ा है जहाँ पर आमतौर पर सबस्टेट अटैच नहीं होना होता है इस वजह से ये कहा जाता है कि इन इन्हेबिटर्स का एंजाइम के साथ कोई कम्पिटिशन नहीं है तो मेरे ख्याल में अब आपको नॉन कम्पिटेटिव इन्हेबिटर्स का मोड ऑफ एक्शन समझ में आ गया है कि ये किस तरह से इन्जाइम की एक्टिविटी को इन्हीबिट करते हैं ठीक है जी अच्छा अब एक और भी टाइप का इनहिबिशन होता है दैट इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन या इसको एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भी कहते हैं दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ नॉन कम्पिटेटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन ठीक है तो इस फीडबैक इनहिबिशन को आप देख लेते हैं हम या इसे एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भी कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन या एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन इसमें ऐसा होता है कि बाजू का हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक पाथवेज काम कर रहे होते हैं जैसे ये एक मेटाबॉलिक पाथवे आपको दिखाया है इसमें आप देख रहे हैं कि एक चीजे एस्पार्टेट ये अमाइनो एसिड की एक किस्म है ठीक है दिस इज अ काइंड ऑफ अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड और ये एस्पार्टेट आफ्टर फाइव रिएक्शंस रिएक्शन नंबर वन रिएक्शन नंबर टू रिएक्शन नंबर थ्री फोर एंड फाइव आफ्टर फाइव रिएक्शन दिस एस्पार्टेट मॉलिक्यूल इज चेंज इन टू थ्रियोनिन इज़ इजर काइंड ऑफ अमाइनो एसिड ये भी अमाइनो एसिड की एक किस्म है तो हमारे बॉडी के अंदर ना कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको हमें डाइट में लेना पड़ता है और कुछ अमाइनो एसिड खुद सिंथेसाइज़ हो जाते हैं जैसे आप देखिए थ्रियोनिन ये हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज़ हो सकता है ये मेटाबॉलिक पाथ हमारे बॉडी का पाथ तो लेकिन थ्रियोनिन को बनाने के लिए स्पार्ट की जरूरत पड़ती है और पहले रिएक्शन में एस्पार्टेट एक प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उस प्रोडक्ट का यहां पे नाम नहीं लिखा सिर्फ उसको ए डेजिग्नेट कर दिया है ये प्रोडक्ट इस पहले रिएक्शन की लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना ये अगले रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट का, का, का काम कर रहा है ठीक है अगले रिएक्शन का ये क्या बन गया सबस्ट्रेट तो अगले रिएक्शन में जब एक और प्रोडक्ट बनती है बी तो ये बी प्रोडक्ट अब उससे अगले रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट बन गई है तो उससे अगले रिएक्शन में ये एक और प्रोडक्ट में चेंज होगी दैट इज प्रोडक्ट सी तो प्रोडक्ट सी उससे अगले रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट बन गई तो इस तरह से ये करते करते आखिर में ये एंड प्रोडक्ट फॉर्म हुई है दिस इज एंड प्रोडक्ट तो अक्सर हमारे बॉडी के अंदर यू मेटाबॉलिक पार्थफेस काम कर रहे होते हैं जिसमें कोई एक एंड प्रोडक्ट आफ्टर सेवरल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है एंड प्रोडक्ट आफ्टर सेवरल रिएक्शन ये प्रोड्यूस होता है तो जब तक हमारे बॉडी को थ्रियोनिन की जरूरत है इस समायू एसिड की ज़रूरत है तो ये मेटाबॉलिक पाथवे इसी तरह से जारी रहता है हर एक रिएक्शन जो इस मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व है हर एक रिएक्शन को एक अलहदा एंजाइम कैटलाइज रहा है जिसको हमने ई वन ई टू ई थ्री ई फोर और ई फाइव से डेजिग्नेट किया हुआ है ठीक है तो इस तरह से ये मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है जब तक थ्रियोनिन की ज़रूरत है बॉडी में लेकिन अगर Uh, किसी वजह से थ्रोनिन आगे यूज होना बंद हो गया है आगे थ्रोनिन की जरूरत खत्म हो गई है या आगे फर्दर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा और ये मेटाबॉलिक पाथवे अगर इसी तरह से जारी रहे तो आप क्या समझते हैं कि थ्रोनिन की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि थ्रोनिन अगर तो ये यूज़ होता जाता तो फिर तो ये यहां पर जमा नहीं होना था लेकिन अब चूँकि आपको बताया कि किसी वजह से इसकी ज़रूरत अब ख़त्म हुई है तो और मेटाबोलिक पाथवे अभी भी चल रहा है तो ये आहिस्ता आहिस्ता इधर जमा होना शुरू हो जाएगा इसकी कंसनट्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी तो जब भी किसी चीज़ का एक्सेस हो जाए ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसी तरह से ये जो थ्रियोनिन है अगर जरूरत से ज़्यादा ये प्रोड्यूस हो जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लेकिन नेचर ने हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म रखा है कि अगर ये प्रोडक्ट जरूरत से ज्यादा बनने लगे जब इसकी जरूरत ना रहे और ये उसके बावजूद बन रही हो तो होता यह है कि इसी पाथवे की जो थ्युनीन, ये जो एंड प्रोडक्ट है थ्योनिन ये थ्योनिन खुद इस पाथवे को ब्लॉक कर देगी ठीक है ये थ्योनिन खुद इस पाथवे को ब्लॉक कर देगी वो किस तरह से कि थ्योनिन का एक मॉलिक्यूल इस पाथवे के सबसे पहले एंजाइम के साथ जाकर इंटरेक्ट करेगा देखिए ये सबसे पहला एंजाइम जिसको हमने E1 कहा है इस एंजाइम का ये स्केच यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया है इस एंजाइम की ये आपको एक्टिव साइट दिखाई है जिसके ऊपर ये एस्पार्टेट ने बाइंड करना होता है और जबकि ये इस एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट दिखाई है जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एलोस्टेरिक एक और एडिशनल रीजन होगा जो कि एंजाइम को रेगुलेट करने में हेल्प करता है तो आप देखिए कि इस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर ये थ्योनिन का मॉलिक्यूल अगर जाकर ये बाइंड कर जाता है तो थ्योनिन के यहां पर बाइंड करने की वजह से ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा बेशक ये एस्पार्टेट यहां पर अटैच हो भी जाए तो ये एंजाइम वन काम नहीं कर पाएगा और जब एंजाइम वन इनएक्टिव हो जाएगा ड्यू तो टू द अटैचमेंट ऑफ थ्रोनिन एट द एलोस्टेरिक साइड जब ये ई वन इनएक्टिव हो जाएगा तो फिर ये जो पहली प्रोडक्ट थी वो नहीं बनेगी और अभी आपको मैंने बताया था कि ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ए प्रोडक्ट ये दरअसल नेक्स्ट रिएक्शन के लिए एक सबस्टेट है तो दरअसल फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा और नेक्स्ट रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो उससे अगला परफॉर्म नहीं होगा और इस तरह से ये सारे रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे यानी पूरा मेटाबॉलिक पाथवे स्टॉप हो जाएगा तो इस तरह से ये एंड प्रोडक्ट के जरिए भी समटाइम इनहिबिशन टेक प्लेस होता है इस तरह का जो इनहिबिशन होता है उस इनहिबिशन को कहते हैं एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन या इसको फीडबैक इनहिबिशन भी कहते हैं वाइट इज कॉल्ड फीडबैक इसको फीडबैक क्यों कहा गया है दरअसल फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जगह जगह पर काम कर रहे हैं फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंट्रोलिंग प्रोसेस जब अपनी प्रोडक्ट के जरिए खुद कंट्रोल हो जाता है ना यानी जब कोई भी प्रोसेस जो किसी किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है वो खुद अपनी प्रोडक्ट के जरिए कंट्रोल हो जाए ठीक है उसे कहा जाएगा फीडबैक मैकेनिज्म मिसाल के तौर पर एक प्रोसेस है जिसने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है ठीक है तो वो प्रोसेस जिस प्रोडक्ट को बना रहा है तो वो अपनी प्रोडक्ट के जरिए अगर खुद कंट्रोल हो जाए यानी ये प्रोडक्ट ही इस प्रोसेस को इनहेबिट कर दे कंट्रोल कर दे जरूरी नहीं इनहेबिट करें समटाइम ये फीडबैक पॉजिटिव भी होता है यानी प्रोडक्ट इस प्रोसेस को तेज कर देती है और समटाइम ये प्रोडक्ट इस प्रोसेस को रोक देती है तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि व्हेन अ प्रोसेस इज इट्स सेल्फ कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म व्हेन अ प्रोसेस व्हेन अ प्रोसेस इज इट्स सेल्फ बाय इट्स सेल्फ कंट्रोल्ड बाय बाय ओन प्रोडक्ट बाय इट्स ओन प्रोडक्ट दिस काइंड ऑफ इनिविशन दिस काइंड ऑफ रेगुलेशन इज कॉल्ड फीडबैक रेगुलेशन या फीडबैक मैकेनिज्म और इस फीडबैक मैकेनिज्म की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं द फीडबैक में भी पॉजिटिव और फीडबैक में भी नेगेटिव तो फीडबैक एक मैकेनिज्म का नाम है जिसमें कोई भी प्रोसेस अपनी ही प्रोडक्ट के जरिए कंट्रोल होता है तो ये फीडबैक दो तरह का हो सकता है एक पॉजिटिव भी हो सकता है फीडबैक में भी पॉजिटिव या फीडबैक में भी नेगेटिव पॉजिटिव उस सेंस में कहेंगे कि अगर किसी प्रोसेस को उसकी अपनी प्रोडक्ट फास्ट कर दे वो प्रोसेस और ज़्यादा तेज़ हो जाए यानी मिसाल के तौर पर अगर यहाँ ऐसा होता कि थ्योनिन की वजह से ये पहला जो एंजाइम है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता और ज़्यादा ये एस्पार्टेट को वो जल्दी जल्दी वर्क करने लगता और इस प्रोसेस को तेज़ कर देता तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव फीडबैक है लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर इसके अपोजिट हुआ यानी ये जो एंड प्रोडक्ट थी इसने इस प्रोसेस को तेज़ करने के बजाय इसको रोक दिया है तो इसका मतलब ये नेगेटिव फीडबैक है ठीक है नेगेटिव फीडबैक में जो प्रोडक्ट होगी वो अपने प्रोसेस को रोक देगी इनहेबिट कर देगी जबकि पॉजिटिव फीडबैक में प्रोडक्ट अपने प्रोसेस को तेज कर देती है तो ये यह यहां पर जो हमने एंड प्रोडक्ट इन्हीबिशन अभी डिस्कस किया है ये कौन से टाइप का फीडबैक है नेगेटिव फीडबैक है तो ये फीडबैक इनहिबिशन इस वजह से कहलाता है एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन को क्यों कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन उसमें आपने ये रेफरेंस कोट करना है कि एक्चुअली फीडबैक मैकेनिज़्म कैन बी डिफाइंड एज

जब इसकी ज़रूरत दोबारा शुरू होगी बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये एंड प्रोडक्ट खर्च होने लगेगी तो जितने भी एंड प्रोडक्ट के एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्यूमलेटेड हैं वो सारे एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो जाएंगे और जो एंड प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल इस फर्स्ट एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के ऊपर अटैच था तो ये वहां से ये मॉलिक्यूल भी हट जाएगा तो इस तरह से ये फीडबैक इन्हीबेशन ख़त्म हो जाएगा और पाथवे दोबारा से वापस बहाल हो जाएगा तो इस तरह से ये इनिबेशन वर्क कर रहा है आप क्या समझते हैं कि ये फीडबैक इनहिबिशन नॉन कम्पिटेटिव टाइप का इनहिबिशन है टाइप इनहिबिशन है? नॉन नॉन किस तरह से आपने कहा कि नॉन कंपिटेटिव इनहिबिशन है शाबाश इस बात को जस्टिफाई करें जस्टिफाई दैट द फीडबैक इनहिबिशन इज अ नॉन कम्पिटेटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे जस्टिफाई करने के लिए बेटा आप वो जो नॉन कम्पिटेटिव टाइप के इनहेबिटर्स की जो करेक्टिस्टिक्स अभी मैंने आपको बताई थी ना आप उन करेक्टरिस्टिक्स को रेफरेंस बनाएं आप इधर ये कहें कि सिंस द इन्हीबिटर मॉलिक्यूल जैसे ये एंड प्रोडक्ट ये इस वक्त इनहेबिटर का रोल प्ले कर रही है ना सिंस द इन्हेबिटर मॉलिक्यूल हैज नो रिजेंबलेंस विद द शेप ऑफ द सबस्टेट इस वजह से ये नॉन कंपिटेटिव है सिंस द इन्हेबिटर मॉलिक्यूल डज नॉट अटैच ऑन द

हाँ, तो बिल्कुल सबस्ट्रेट कंसनेशन वो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन के ऊपर कोई इफेक्ट कॉज नहीं करेगी ना आप बेशक जितना मर्जी सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर लें बिल्कुल तो उसकी वजह से नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन खत्म नहीं हो पाएगा तो नॉन कम्पटेटिव इनहिबिशन को खत्म करने का तरीका क्या होगा फिर जैसे हमने वहां पर जिक्र किया था कम्पिटेटिव इनहिबिशन में कि आप सबस्ट्रेट कंसनिशन को इंक्रीज करके कंपिटेटिव इनहिबिशन को खत्म कर सकते हैं लेकिन यहां तो सबस्ट्रेट कंसेंशन का कोई इफेक्ट नहीं आना आप जितना मर्जी सबस्ट्रेट कंसेंशन बढ़ाएं तो ये इनहिबिशन खत्म नहीं होगा तो हाउ कैन वी रिड्यूस दिस काइंड ऑफ इनहिबिशन इस इनहिबिशन के इफेक्ट को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं तो उसका तरीका ये होगा कि यहां पर बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम कंसनेशन वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ इनहिबिशन ठीक है बाय इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंजाइम कंसनेशन कंपिटेटिव के केस में सब्सट्रेट कंसनेशन इंक्रीज करके इनहिबिशन को रिड्यूस किया जाता है जबकि यहां पर बाय इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ सच इनहिबिशन कैन बी मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ नॉन कंपिटेटिव इनहिबिशन कैन बी मिनिमाइज ठीक है भाई बात क्लियर हो गई एनी अदर क्वेश्चन अब जरा आप इन दोनों टाइप की इनहिबिशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन बनता होता है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपिटेटिव एंड नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन देखिए अब कंपिटेटिव इनहिबिटर्स और नॉन कम्पटेटिव इनहिबिटर्स को अगर डिफरेंशिएट करना हो तो सबसे पहला पॉइंट आपने वो शेप ऑफ सबस्टेट के साथ जो रिजम्बलेंस का पॉइंट था उसको यहां पे पॉइंट आउट करना है हैव कंपटेटिव विद द शेप ऑफ द सब्सट्रेट ऑन द अदर हैंड नॉन कम्पिटेटिव इनबिटर्स दे हैव नो रिजेंबलेंस विद द शेप ऑफ सब्सट्रेट ठीक है इस तरह पॉइंट टू पॉइंट आपने डिफ्रेंशिएट करना है आप यहां पे रिजेंबलेंस की बात करें तो इधर भी रिजेंबलेंस की ही बात करेंगे कि यहां कंपिटेटिव इनबिटर्स में रिजेंबलेंस होती है शेप ऑफ सब्सट्रेट के साथ जबकि नॉन कम्पिटेटिव में कोई रिजेंबलेंस नहीं है फिर दूसरा पॉइंट इनकी जो एक्टिव साइट के ऊपर अटैचमेंट है या एंजाइम के साथ जो अटैचमेंट है एंजाइम के साथ इंटरेक्शन उसको पॉइंट आउट करेंगे कि कंपिटेटिव इनहिबिटर कंपीट विद सबस्ट्रेट टू ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट इसका मतलब ये एक्टिव साइट के ऊपर अटैच करते हैं और इसी वजह से इनका कंपटीशन होता है विद द सबस्ट्रेट बट नॉन कंपिटेटिव इनहिबिटर्स शो नो कंपटीशन कंपिटिशन सबस्ट्रेट के साथ बिल्कुल भी कंपीट नहीं कर रहे हैं बिकॉज बिकॉज ऑलवेज अटैच विद इन अदर देन एक्टिव साइड चूंकि इनकी नजर ही किसी और जगह पर होती है ठीक है ये इस वजह से एक्टिव साइड के ऊपर सबस्टेट के साथ कंपेट नहीं करेंगे बाइंड करने के लिए ये किसी और जगह पर जाकर अटैच करेंगे ठीक है और उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट आप देखिए कि दे आर जनरली रिवर्सिबल कंपिटेटिव इनिवेटर ये रिवर्सिबल होते हैं आमतौर पर इसके फैक्ट को खत्म किया जा सकता है बट Non may be जैसे अभी आपने जो फीडबैक इनिबिशन देखा वो तो रिवर्सेबल था उसको हम खत्म कर सकते थे बाय इंक्रीजिंग बट ये जो इरिवर्सेबल टाइप के कुछ नॉन कम्पिटेटिव इनिबिटर इरिवर्सेबल टाइप के भी होते हैं जैसे अभी आपको मैंने दो एग्जाम्पल्स दी थी साइनाइड की और सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स की वो इिवर्सिबल टाइप के नॉन कंपिटेटिव इनिबिटर्स थे वो एक दफा जब इंजाइम के साथ आकर इंट्रैक्ट कर जाएं तो उसके बाद फिर वो इंजाइम सारी उम्र दोबारा काम नहीं कर सकते यानी वो डी नेचर हो जाता है और एग्जांपल्स आप क्या देख सकते हैं कम्पिटेटिव इनिबिटर्स की एक एग्जांपल हमने मेलोनिक एसिड की फॉर्म में ली थी और जबकि यहाँ पर नॉन कम्पिटेटिव इनिबिटर्स में आप एग्जाम्पल साइनाइड्स की दे सकते हैं सार्ट ऑफ हैवी मेटल्स की और इसके अलावा सर्टेन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कम्पिटेटिव इनिबिटर्स ठीक है भाई तो अब आपके सामने ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया इन दोनों टाइप के इनहेबिटर्स का इसके अलावा अगर आपसे करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपिटेटिव इन्हेबिटर्स तो आप इजीली ये करेक्टरिस्टिक्स भी इसकी मेंशन कर सकते हैं नॉन कंपिटेटिव इन्हेबिटर्स की ये करेक्टरिस्टिक्स भी आप मैंशन कर सकते हैं और अगर डिफ्रेंशिएट करने को कहा जाए तो आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं इनकी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं तो ये काफी सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे इस डिस्कशन में यहां पे सॉल्व हो रहे हैं तो इन सब क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर करें यही चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी ठीक है भाई और कोई प्रॉब्लम ठीक है भाई इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ क्योंकि वो जो फेडरल बोर्ड का रिड्यूस सिलेबस है उसमें बकाया टॉपिक्स को एक्सक्लूड किया हुआ है आपने सिर्फ यही जो टॉपिक्स मैंने आपको एग्जाम के करवाए ना इन्हीं के ऊपर फोकस करना है इस साल के एग्जाम के लिए क्योंकि इस साल अब कोरोना की वजह से फेडरल बोर्ड ने जो आपको सहूलत मुहैया है तो आप उससे फ़ायदा उठाएँ सिलेबस कम है लेकिन एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको क्योंकि सिलेबस कम होने का ये मतलब नहीं है कि आप थोड़ा सा सुस्त हो जाएं तो आप इससे फ़ायदा उठाएं और बहुत अच्छा प्रिपेयर करें ताकि बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकें ठीक है भाई तो आज का लेक्चर हम बस यहीं पे रोकते हैं नया चैप्टर फिर हम शुरू करेंगे डियर व्यूवर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो If you have not subscribed this channel kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from biology guardian and also do not hesitate to ask any question regarding this lecture my contacts are shown on the screen thank you once again